फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में हम सीखेंगे जावा फाइल को हम एचटीएमएल फाइल्स में कैसे लोड कराते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और हम अपने सबलाइम पे अपना कोड राइट करेंगे। तो सबलाइम अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऊपर आई का बटन है, आप उसे प्रेस करके भी आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो जाने के बाद हम सबलाइम पे यहाँ पे कोड देखेंगे। तो इसमें मेनली हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती है वो मेनली दो टाइप से अपने एचटीएमएल के फाइल में लोड कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, टू वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल को आप दो वे से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनलाइन पेज जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है वो आपको इन पेज में कर लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे हेड टैग है और बॉडी टैग है, इन दोनों टैग के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी डेवलपर होते हैं वो अपने स्क्रिप्ट फाइल को अपने बॉडी टैग में ही ऐड करते हैं, जिससे कि अगर स्क्रिप्ट फाइल काफ़ी हैवी है तो सबसे पहले आपका ऊपर की फाइल्स ऐड हो, मतलब कि आपका एचटीएमएल की फाइल पहले लोड हो और उसके बाद से यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल लोड होगी। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट फाइल को काफ़ी हैवी है और उसको अपने हेड टैग में ऐड कर दिया तो पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होगी और उसके बाद एचटीएमएल की फाइल लोड होगी, जिससे कि काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम अपने मेनली बॉडी टैग में ही ऐड करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को, जिससे ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको कैसे वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, यहाँ पे हमें एक एचटीएमएल की फाइल लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, किसी भी नेम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और डॉट एचटीएमएल कर देंगे। इसे करने के बाद सिंपली हम ओपन कर लेंगे सबलाइम से। तो यहाँ पे सबलाइम से मैंने उसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करना होगा एचटीएमएल और यहाँ पे अब हम टाइटल कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया लर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद से हमें अपने स्क्रिप्ट फाइल को देना है। स्क्रिप्ट फाइल को देने के लिए हम मेनली हेड टैग में आते हैं और हेड टैग में आने के बाद यहाँ पे हमें लिख देता है स्क्रिप्ट और यहाँ पे सोर्स फाइल होना है SRC, यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना होता है, अभी हम इन पेज ही कर रहे हैं। ठीक है, इन पेज करने के लिए आपको यहाँ पे मेनली टाइप करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना है कि इसके जो कुछ भी आप वहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं वो वहाँ पे आप ऐड कराएंगे। ठीक है, तो ऐड कराने के लिए आपको यहाँ पे दे देना है हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड दे दिया और इसके बाद से यहाँ पे हमें इसे सेमी कॉलोन दे, जिससे कि वो इंटर हो जाए। हम एक और यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, ये मेनली जावास्क्रिप्ट फाइल को लिखने का यही मेथड होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा इन पेज जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, इसे हम कंट्रोल एस कर देंगे, इसको अब रन करा के हम देखेंगे अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो रन कैसे कराना है आपको, यहाँ पे सिंपली अपने जहाँ पे भी आपने लिखा था उसके पाथ को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में आना है, यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे हम इंटर करेंगे तो देखिए, सॉरी, यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे इसे हमें पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद हमने जिस नेम से भी वहाँ पे सेव किया है, ठीक है, उसका नेम हम देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था javascript.html java। ठीक है, और इसके बाद सब इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड, देखिए पूरा एक ही में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा एक ही में लिख दिया है और फ्रॉम टेक्निक ड्यूड। ठीक है, अगर इसे आप रिमूव कर देना चाहते हैं तो यहाँ से ये रिमूव भी हो जाएगा, लाइक हमने इसको हटा दिया और इसे अब यहाँ पे रन करा के देखेंगे। तो इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं। और इसे हम अभी रन करा के देखते हैं।
कुछ इस तरह आ रहा है क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया था, इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और इसके बाद से इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करा लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बॉडी टैग में भी यही चीज़ अगर हम डालते हैं तो क्या आता है। इसे कंट्रोल सी करा हमने और यहाँ पे इसे हम एक H1 टैग के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे H1 टैग दिया, उसके बाद से यहाँ पे हम कंट्रोल इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने से पहले हमें इसका स्क्रिप्ट की फाइल भी देनी होती है क्योंकि हम स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, और इसको यहाँ पे करने के बाद इसे हम क्लोज कर देंगे। इतना क्लोज होने के बाद अब हमें यहाँ करना, इसे कंट्रोल एस कर देना है ताकि ये सेव हो जाए हमारी फाइल्स। सेव करने के बाद इसे सिंपली फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टेक्निक ड्यूड और उसके बाद से हेलो वर्ल्ड बाद में हुआ है क्योंकि बॉडी टैग के बाद यहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट की फाइल दी थी वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फाइल्स को ऐड कर लेंगे। इसके बाद से ये हमारे इनलाइन पेज हो गया। उसके बाद हम एक्सटर्नल पेज यहाँ पे देखेंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पेज को कैसे वहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना आपको इतना है कि जो हमने जहाँ पे javascript.html पेज लिखा है यहीं पे हमें एक और फाइल्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देखिए script.js से हमने इस फाइल्स को दूसरी फाइल्स को सेव कर दिया। इसे हम एस कर देते हैं और इस फाइल्स को भी हम इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ सबलाइन कर देते हैं। और इसमें करने के बाद यहाँ पे अब स्क्रिप्ट फाइल देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे हमें लिखना होता है document.write और जो कुछ भी वहाँ पे आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और इसके बाद से यहाँ पे सेमी कॉलोन लगा देंगे जिससे कि वो सेव हो जाए। ठीक है, इसे कंट्रोल एस कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए। सेव होने के बाद इस फाइल्स को अब हम उसमें इंपोर्ट कराना चाहते हैं, लोड कराना चाहते हैं एक्सटर्नल फाइल्स को। ठीक है, लोड कराने के लिए आपको करना बस मेनली इतना होता है, हमारी फाइल से है जावास्क्रिप्ट की फाइल ये है हमारी थी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फाइल को आप कहाँ पे लोड कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, आपको इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद हमें उसी फाइल्स को यहाँ पे लोड कराना चाहते हैं। तो लोड कराने के लिए आपको यहाँ पे सोर्स लिखना होगा इक्वल टू जिस नेम से भी आपने वहाँ पे सेव किया था, script.js से मैंने फिलहाल वहाँ पे सेव किया था। ठीक है, इसे उसके बाद यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखिए script.js और इसे रिमूव कर देंगे। इतना होने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पे उठा करके वहाँ पे उसे रन करा के उसे देखना है कि वो रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना हो गया, इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको अब हम रन करा के देखेंगे। हम अपने मोजिला फायरफॉक्स में हम रन करा रहे हैं अपने ब्राउजर में और इसको हम सिंपली इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टेक्निक ड्यूड और हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में हेड टैग में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है जो H1 टैग है वो यहाँ पे टेक्निक ड्यूड और उसके बाद से जो यहाँ पे बॉडी टैग में यहाँ पे हमने दिया था हेलो वर्ल्ड वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम अपने HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल के इन पेज और हमारे एक्सटर्नल पेज है इसे हम ऐड कर लेंगे और उसको लोड करके उसके रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और सारी वीडियो देखेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।